किडनी फेल, किडनी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, भारत में लाखों लोग इसके शिकार हैं। ये छोटा सा तरीका, ये पानी का टप और यहाँ पर चलता 40 डिग्री का टेम्परेचर और इसमें इस तरह बैठना जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये बचाएगा आपको डायलिसिस से, ट्रांसप्लांट से, किडनी फेल जिसमें डॉक्टर बोलता है सिर्फ ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। ये हिम्स चंडीगढ़ जहाँ में हम हैं, ये पेशेंट आपके सामने है। आप बताइए कितने दिन हो गए आपको? 2 महीने हो गए सर। नहीं, आपको कितने दिन से डायलिसिस नहीं हुआ आपका? कम से कम 10 दिन से सर। ये पानी, गर्म पानी में बैठ के डायलिसिस बंद हो रहा है आपका? हाँ जी सर। और यहाँ कितने पेशेंट से मिल चुके जो ठीक हो रहे हैं? यहाँ तकरीबन सर मेरे होते कई पेशेंट आ चुके हैं, तकरीबन 20-25 से ऊपर मैं मिल चुका हूँ। आप यहाँ पे इस टप में बैठे हो और एक आपको ये बताया गया है, आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा। हरियाणा कहाँ से? करनाल से। एक और पेशेंट है हमारे पास, आप कहाँ से हो? मैं त्रिपुरा से। त्रिपुरा? अगरतला। अगरतला। आपको, आपकी उम्र कितनी है? 73। कितने साल से प्रॉब्लम थी आपको? 3 साल से। कितने दिन हो गए यहाँ पे हॉस्पिटल में? 6 डेज। कोई डायलिसिस हुआ आपका? नहीं। तो ये आपने देखा, इस तरह पानी के टप, ये टेम्परेचर, गर्म पानी, इस तरह बैठना, जिसको हम पोस्टुरल मेडिसिन में काउंट करते हैं, थेरेपी इसका नाम है हॉट वाटर इमर्शन। ये हमारे डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह हम हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, ये मेरे पीछे पूरी हिम्स की बिल्डिंग है, ये हिम्स की बिल्डिंग जहाँ पर हम, हमारे पास किडनी के, लीवर फेल के पेशेंट आते हैं और उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं अलग अलग थेरेपी से। मैं आपको आओ 2-4 पेशेंट से मिलवाता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये देखिए पेशेंट है जिनको मैं आपको मिलवाता हूँ किस तरह। सबसे पहले हम मिलते हैं हर्ष से। जी सर। हर्ष, आप बताओ आपको कितने टाइम से किडनी की प्रॉब्लम है? पकड़ लो इसको, आप बताओ कितने साल से प्रॉब्लम थी आपको? सर मुझे 2 साल से किडनी का प्रॉब्लम है। और 2 साल से डायलिसिस चल रहा था? नहीं, डायलिसिस 2 महीने से चल रहा था सर। 2 महीने से डायलिसिस शुरू हो गया था? जी सर। हमारे संपर्क में, हिम्स के संपर्क में कितने दिन से आए हो आप? सर मैं यहाँ पे 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में आपका एक भी डायलिसिस हुआ? नहीं सर, कोई डायलिसिस नहीं हुआ। तो आप क्या कहना चाहोगे दुनिया को, लोगों को जो किडनी फेल से परेशान है, डायलिसिस करा रहे हैं और ट्रांसप्लांट के लिए? आप तो मन भी बना चुके थे शायद ट्रांसप्लांट का। सर मैंने पूरा ट्रांसप्लांट का जांच भी करवा लिया था, मतलब पूरा टेस्ट भी करा लिया था, लेकिन ट्रांसप्लांट नहीं कराया। नहीं नहीं। तो अब आप दुनिया को क्या बोलोगे, ट्रांसप्लांट कराना चाहिए कि हिम्स में आना चाहिए? सर मैं यही बोलूंगा कि ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, हिम्स में आके एक बार ट्राई करें और मुझे लगता है बेटर।